अस्सलाम वालेकुम बज्जो जिया चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। हम लोग आए हुए हैं। हाँ, मेरी भतीजी से बात करिए। आज ये बताएंगे, वेलकम टू बज्जो जिया चैनल। आज जो है हमारी फुफो जो है जिया रानी, हमारी फुफो जो है कराची रानी है अपनी मम्मी के घर में। तो जो है हम लोग अभी खेल रहे हैं, तो हम लोग बहुत मजे करेंगे और आप लोगों को अपनी हर चीज शेयर करेंगे। अब्दुल्ला, आपको मजा आ रहा है जी? बहुत। अभी हम आपको छत पे भी दिखाएंगे, छत पे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कहाँ जाएंगे? रेसिपी शेयर करेंगे अपनी भाभी के हाथ की। हाँ। तो चलिए जी, किचन में चलते हैं। अच्छा जी, दम कीमा जो है उसके अज्जा बिल्कुल तैयार है, भाभी भी बिल्कुल तैयार है हमारी। आप लोग टेस्ट करिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी हमारी रेसिपी। तो चलें भाभी, शुरू करते हैं, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास 1 किलो कीमा चिकन का, ठीक है? सही। ये बेसन है, खशखाश है, धनिया है, साबुत धनिया और ज़ीरा, तली हुई प्याज, इन तमाम चीज़ों को हम चॉप करेंगे और ये 1 टेबल स्पून है। सही, ठीक है। अच्छा भाभी, अब बेसन डालेंगे आप? सबसे पहले बेसन डालेंगे। मोटा धनिया डाला है आपने, जीरा, जीरा, तो ये खशखाश, ये तमाम चीज़ें 1 टेबल स्पून थी। और ये प्याज जो है ये आप चाहें तो बस 2 टेबल स्पून ले लीजिए, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, अगर ये थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए। अच्छा भैया, ये मैंने मसाला चॉप कर लिया है, इस मसाले को आप पिने में मिला दीजिए। इसके बाद 2 टेबल स्पून जो है वो दही है, 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, और अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। गलावाटी पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, हिस्सा गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और नमक हसबे ज़ायका 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। मसाला इसमें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, बस अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ दिखाइए। वाह भाई, माशाल्लाह। आयशा किधर है? अब्दुल्ला उस तरह यहाँ दो बच्चियाँ हैं। मैं आज डॉक्टर बनी हुई हूँ और मैं अपनी फ्रेंड का चेकअप कर रही हूँ। सही। तो इनका थोड़ा सा बुखार है। अच्छा, ठीक हो जाएंगे। शाम का टाइम हो रहा है और मौसम अच्छा है यहाँ का, बच्चे खेल रहे हैं छत से, उनके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, साइकिलिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर साहिब बना बैठा हुआ है। बस आपका हो सकता है, आप जा सकते हैं। आयशा भाई, एक पेशेंट आपका और आए। ओके, आइए प्लीज कमेंट करके आइए। आप ये काउंटर से करिए, तो आपको क्या हो गया? बस
और हो गया थोड़ा सा, मैं आपको चेक करती हूँ। बच्चों थोड़ा सा आपको एक इंजेक्शन लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। देखिए मैंने कढ़ाई में हाफ कप जो है ऑयल डाला, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें, इसके बाद मैंने इसमें ये तीन इलायचियाँ डाली। अब इसको थोड़ी देर पकाने के बाद भाभी इसमें पीमा डाल देंगे आप। जी, ये मैंने फ्रिज में तकरीबन इसको 2 घंटे रखा है फ्रिज में। देखो प्याज नजर आया और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा सा आप इसको 15-20 मिनट के लिए कवर करके रखें ताकि कीमा गल जाए। 15 मिनट के लिए आप बिल्कुल इसका जो हल्की आंच में, हाँ, इसको बिल्कुल स्लो कर दें और इसे 15-20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दें। चलिए ये देखिए डेकोरेशन हो रही है। आज की रेसिपी जो है वो हमारी भाभी ने तैयार की है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब जिया तुम टेस्ट करके बताओ। बहुत ही मज़े का है भाभी, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। थैंक यू। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, मैं दूसरी दफ़ा खा रही हूँ। बहुत मज़े का बना है, पराठे के साथ, पूरी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, कुलचे के साथ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारी भाभी को हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।